गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मनीष सिंह राठौर, योर इंग्लिश टीचर। तो आज का हमारा कंटेंट है टेंस। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और टेंस पढ़ते हैं। टेंस, राइट, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसको डिफाइन कर देता हूं मैं। आप इसे बोल सकते हैं कि इट डिनोट्स द टाइम, राइट। क्या बोल सकते हैं, इट डिनोट्स द टाइम। ये टाइम को क्या करता है, डिनोट करता है। या इट शोज द एक्शन ऑफ वर्ब। सेकेंड कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि इट शोज द एक्शन ऑफ वर्ब, यानी ये क्या करता है, क्या शो करता है, ये वर्ब के एक्शन को शो करता है, राइट। अब टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। एक्चुअल में टेंस कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये हमारे क्या है, टेंस के तीनों टाइप्स हैं, राइट। एक्चुअल में देखा जाए तो टेंस दो ही होता है, फ्यूचर टाइम होता है, लेकिन इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो इसी को पढ़ते हैं हम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस, इसको मैं डिफाइन करता हूं कि द प्रेजेंट टेंस refers to something, क्या लिखा है, the present tense refers to something that takes place in the present, यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। जिस हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को, वर्तमान काल। यानी द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। इसको और छोटा कर सकते हैं, नॉर्मल इसका लिख सकते हैं हम, प्रेजेंट टेंस शोज प्रेजेंट टाइम। इसको छोटे तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, प्रेजेंट टेंस शोज प्रेजेंट टाइम, या द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन हुआ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ पास्ट टेंस को भी डिफाइन कर देता हूं मैं कि द पास्ट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट टूक प्लेस इन द पास्ट, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है, पास्ट टेंस होता है। या इसे नॉर्मल वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, पास्ट टेंस शोज पास्ट टाइम, यानी जो पास्ट टेंस है वो क्या शो करता है,
पास्ट टाइम शो करता है, बीता हुआ कल शो करता है, राइट। अब एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि ये जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट है। अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्या टेंस स्टार्ट किया था ना, तो जो प्रेजेंट लीव करता है यानी आगे की तरह मूव करते रहता है, प्रेजेंट ही आगे की तरह मूव करते रहता है, तो ये जो इसके पीछे वाला पार्ट होता है जिसको छोड़कर आगे मूव किया रहता है प्रेजेंट, वही हमारा क्या होता है, पास्ट होता है, राइट। यानी प्रेजेंट चल रहा है, राइट, और जो पीछे लीव करते चल रहा है वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।